गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्क्रीन शेयर है बेटा? ठीक यस सर। है। हमने उस दिन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करी थी, राइट? ठीक राइट सर। है। एक सेकंड रुक लो। आठ
बेटा स्क्रीन शेयर्ड है, कुछ पेन टैब में दिक्कत हो रही थी। ठीक यस सर शेयर्ड। है, आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं। हमने दो एक प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, अगली प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। क्या होती है पता है? सर जीरो होती है जब ऑड फंक्शन हो, और इवन फंक्शन पे होती है वो जीरो से और टू टाइम्स एफ एक्स। अगर इवन और ऑड कुछ भी ना हो तो सर फिर एफ एक्स माइनस एक्स डॉट डी एक्स। जो मैंने लिखा है सामने देखो, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी बन जाएगी ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स एफ इवन फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ एक्स एंड जीरो इफ ऑड फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ये है, इसको याद रखना है। लिखो लिख लिया। यस सर। यस सर। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखो। देखो इसको भी, तो ये बन जाएगा आपका लिख लो। डन सर। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलो क्वेश्चन लिखो जरा। एफ करो बेटा क्वेश्चन करो।
हो रहा है बेटा? ठीक जी सर, एक सेकेंड। है। बताओ या कर रहे हो? ठीक कर रहे हैं सर, कर रहे हैं। है ठीक है ठीक है।
सर आप बताना एक बार। देखो हमें ना इसका d by dx दिया हुआ है, अगर हमें किसी का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है, ये जो टर्म है ना, इसका जो इंटीग्रेशन है ये f x है, राइट? यस सर। एक सेकंड और करना, तो तुम्हें इसका जो है ना, इसके इंटीग्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर लो, है ना, एक बार ट्राई करो। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी बढ़िया। तो अब इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेगा, देखो e टू द पावर साइन एक्स अपॉन एक्स में कैसे कन्वर्ट करोगे वो बताओ भाई। ये तो कुछ और लिखा हुआ है यहाँ, देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर को t मान लू तो 2x dx dt होगा, यस सर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दो और इसको ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर दो, सही बोल रहा हूँ? तो जैसे ही एक्स स्क्वायर को टी लिखूंगा और ऊपर नीचे एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x dx dt हो जाएगा, ये आ गया, राइट? अब टी की लिमिट देखो, टी की लिमिट क्या होंगी, जब एक्स वन होगा तो t1 होगा, एक्स फोर होगा तो t16 होगा, राइट? बोलो। यस सर। अच्छा इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, विदाउट एनी थॉट 1 to 16 e टू दी पावर साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, ये मैंने पहली प्रॉपर्टी लगाई है कि ए टू बी एफ टी डी टी लिखा हो तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखते हैं, ए टू बी एफ वाई डी वाई लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक ठीक है? यस सर। ये ठीक है, राइट? अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखो जरा, ये जो है ना इसका इंटीग्रल हमें पता है कि इसका इंटीग्रल एफ एक्स है, यहाँ से ये तो है डी बाई डी एक्स, अगर इसका ये है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो टर्म है ना इसका जो इंटीग्रेशन है वो एफ एक्स है, बोलो। यस सर। तो इसका इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स हो गया तो हमने यहाँ लिखा एफ एक्स और लिमिट्स अप्लाई करी फ्रॉम 1 to 16, तो इट विल बिकम एफ ऑफ 16 माइनस एफ ऑफ 1, सिंपल, यस सर। सिक्सटीन यानी कि कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू क्या हो गई, बस लिख लो। आगे बढ़े, यस सर। अगला क्वेश्चन करो। ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इसमें, देखो इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है क्या? देखो नो सर। एफ एक्स इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ
करो ट्राई। हो रहा है? ठीक यस सर, एक सेकेंड बस। है,
सर जीरो आ रहा है? नहीं बेटा, करो, ट्राई करो। कर रहे हैं सर। सर लास्ट स्टेप नहीं हो रहा, आप बता दो सर। एक सेकंड सर, अभी मत बताना। अच्छा, अभी किसी ने जीरो भी बताया था ना इसका आंसर? यस सर। एक सेकंड, मुझे एक जैसे कंफ्यूजन है। हाँ बेटा ठीक है, आंसर जीरो तुम्हारा ठीक है, गॉट इट, सही आएगा। हाँ सर हो गया। ठीक है बेटा, देखो जरा, अगर किसी का नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ। देखो, एफ एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एफ एक्स लिख सकते हैं। यस सर। ये आई मान लो, इसमें मैंने कोई चेंज नहीं करा है। अब यहां देखो, पुट वन अपॉन एक्स एस टी, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। यस सर। ये हो गया एफ टी डी टी, और टी के टर्म में ये कॉसेक थीटा आ गया और ये साइन थीटा आ गया। एम आई करेक्ट? यस सर। अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाली, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो पहली वाली, सीबीएसई में यूज नहीं होती और जेई में बचती नहीं है वो। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? यस सर। ठीक है,
ये ओरिजिनल जो है यही है कि नहीं है, तो आई इक्वल्स टू माइनस आई आ गया है नहीं? सर तो आई और माइनस आई बराबर, तो वो जीरो ही हो सकता है। आई इक्वल्स टू माइनस आई तो टू आई बराबर जीरो, और टू आई बराबर जीरो का मतलब है आई बराबर जीरो, राइट? यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़े। लिखो अगला क्वेश्चन। करो ट्राई। मैं बता जीरो जीरो आ रहा है सर। अच्छा आंसर जीरो आ रहा है। यस सर। तो ये ऑड फंक्शन आ रहा है क्या? जी सर। ओके देख लेते हैं। नीचे वाला देखते हैं, नीचे वाला ये है f ऑफ माइनस एक्स। देखते ये हमने एक बार पहले भी पढ़ी थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर अंदर इंटीजर मल्टीप्लाइड में है तो ये ऐसे तब होता है जब x इंटीजर होता है, और वरना ये ऐसे हो जाता है। याद है जैसे माइनस टू है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा, लेकिन माइनस 2.1 है तो वो माइनस 3 बनेगा ना, तो माइनस 2 माइनस 1 बनेगा, राइट? जी सर। ठीक है तो जब मैं इसका एफ ऑफ माइनस एक्स करूंगा, क्या करूंगा? एफ ऑफ माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब हम करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। देखो क्योंकि इंटीजर तो होगा नहीं, ये दोनों पॉइंट तो हम कंसिडर करते ही नहीं, तो ये इंटीजर तो होगा ही नहीं,
तो ये माइनस बाहर आ जाएगा राइट, तो माइनस वन भी हो जाएगा और प्लस हाफ हो जाएगा राइट। तो जब ये बाहर आएगा तो ये और ये माइनस हाफ बन गया, तो माइनस कॉमन, तो ये प्लस हाफ हो गया, यानी इशू ठीक है ना बेटा। यस सर। तो नीचे वाला ऑड फंक्शन है, ऊपर वाला इवन है, तो नेट ऑड फंक्शन है, तो आंसर जीरो हो गया राइट। आगे बढ़ते हैं, ऑल दो ये सीबीएसई की बुक में क्वेश्चन है बट ये तुम्हें करना है, करो ट्राई। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log of sin x dx, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, तो कह रही है रटा हुआ होना चाहिए, करो। कर रहे हो ना बेटा? यस सर।
देखो जरा, एक ये प्रॉपर्टी पता है ना, मतलब मैं शायद स्किप कर गया होऊंगा, a टू b f x dx को हम क्या लिख सकते हैं, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx, सबको पता है? यस सर। तो 0 टू a f x dx को क्या लिख सकते हैं, 0 टू a माइनस x डॉट dx, वही लगा रहा। तो ये log ऑफ sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस x हो गया, जो कि cos x हो गया। तो यानी कि चाहे ये पूछे चाहे ये पूछे आंसर सेम होएगा, राइट? ये log a प्लस log b कर दो तो ये log a भी हो गया। यस सर। ये आ गया, यहां तक ठीक है? जी सर, यहाँ तक तो हो गया था। ये तो हो ही गया, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तक ठीक है बेटा? जी सर। अब इसको देखो, आई वन को dx हो गया आप dt, बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, पहले बोलो। यस सर। ये प्रॉपर्टी आज ही पढ़ाई थी ये, कि अगर f ऑफ 2a माइनस x fx होता है तो ये डबल और ये आधा हो जाता है, अभी बताया था या नहीं? बोलो, क्योंकि 2a माइनस x तो साइन ऑफ पाई माइनस टी, वापस साइन टी रहेगा तो ये फंक्शन एज इट इज रहेगा, तो बाहर 2 आ जाएगा और इसका आधा हो जाएगा, तो ये जो i1 है ये बन जाएगा ट्वाइस 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन टी डी टी, बताओ। चलिए कैसे तो सर, 0 से 2a होनी चाहिए ना उसमें तो लिमिट, तो 2a ही तो है, ये 2a है ना, ये 2a है। सर i1 में तो पाई बाय 2 तक थी ना लिमिट, 2 पाई तक कहां से आ गई? अरे ये dt, जब हमने 2x को t सब्स्टिट्यूट करा तो t, जब x 0 होगा तो t 0 होगा, और जब x पाई बाय 2 होगा तो t पाई होगा, अब dt में चल रहे हैं ना। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पहुंच गया, बताओ। यस सर। तो ये हो गया आई वन, हो गया आपका डबल ऑफ 0 टू पाई बाई 2, देखो फिर से पहली प्रॉपर्टी, वेरिएबल चेंज, तो ये साइन टी डी टी की जगह साइन एक्स डी एक्स लिख दिया, सर तो फिर 2i से 2i कैंसिल नहीं हो जाएगा? जो होगा बाद में होगा ना, अभी अभी ये समझ में आया नहीं आया, ये बताओ। यस सर, इतना तो आ गया, इतना तो आ गया। तो i1 क्या हो गया आपका? 2 टाइम्स i। हाँ, तुमने कहीं गलती कर दी होगी ना, dx की जगह हाफ dt नहीं लिखा ना ये, तो i1 इज नथिंग बट i, बोलो। यस सर। अब यहाँ देखो, अब जब हम आई वन की जगह आई डालेंगे तो ये आई हो गया, तो इधर चला गया आई, तो ये आंसर आ जाएगा, बात खत्म, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। किसी को डाउट है बेटा? नो सर। लिखो इसको, कंप्लीट करो।
ओके सर ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी सीबीएसई टाइप का क्वेश्चन है, बट ये जेई में भी आया हुआ क्वेश्चन है। लिखो हो रहा है बेटा? ये सर हो रहा है। सर पाई टेन वन बाई टू आ रहा है। पाई टेन वन बाई टू आंसर आ रहा है, पाई स्क्वायर अपॉन टू रूट टू।
सर मेरा सिर्फ पाई आ रहा है सर। नहीं बेटा, पाई स्क्वायर अपॉन 2√2 आएगा, करो ट्राई करो, अरे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी बच्चे भी सब लोग ट्राई करो। हाँ जी हो गया, मैं जिस मेथड से कर रहा हूँ सर उससे तो पाया आ रहा है बस। चलो देखते हैं क्या इस तरह समझ में आएगा, मैं करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो एक तो एलजेब्रिक है, एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो पहले तो एलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक को सही करो, यहाँ तक ठीक है बेटा? यहाँ तक ठीक है? यस सर, यहाँ तक तो ये भी यही किया हाँ है। ठीक है बेटा, ये आई बन गया, इस आई को इधर ले जाओ तो ये 2i हो गया, x हट गया, ये पाई आ गया, पाई आ गया 0 to π dx upon 1 plus cos square x। फिर से देखो इसको 2a मानो, अगर मैं x की जगह पाई माइनस x रखूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो वही वाली प्रॉपर्टी लगेगी, बाहर 2 से मल्टीप्लाई होगा और एंगल आधा हो जाएगा, याद है ये प्रॉपर्टी? यस बोलो। सर, तो 2 2 कट गया तो i बराबर हो गया 0 to π/2 dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। अब इनडेफिनेट इंटीग्रल में चले जाओ, इसको ऊपर पाई लेके भी आएगा cos सर स्क्वायर, बाहर। हाँ पाई भी आएगा, तो इसको इनडेफिनेट वाले मेथड से करो तो ऊपर sec स्क्वायर x टू dx हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स वाई टू आएगा। और नीचे आ गया 1 1 by cos स्क्वायर sec स्क्वायर जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, तो ये 2 plus 10 square x हो गया, गलत है सही है? सही है सर, सर हो गया। बस अब उसके बाद टेन एक्स को टी मान लो, बोलो सर मैंने दूसरे तरीके से किया वो बताऊं एक बार आपको? मैं अभी 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 लिख के देखता हूँ, मैं पहले ये कर देता हूँ। अब जब टेन जीरो जीरो होता है, टेन पाई बाई टू इंफिनिटी की तरफ टेन टेंड होता है, तो डी टी अपॉन √2 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/8 टेन इनवर्स टी अपॉन ए, तो पाई इंटू 1/8 टेन इनवर्स टी अपॉन ए मतलब टी अपॉन √2 लिमिट्स 0 to ∞। तो आई आ गया आपका पाई अपॉन √2 इंटू टेन इनवर्स इंफिनिटी दैट इज पाई बाई टू माइनस जीरो, तो पाई स्क्वायर अपॉन 2√2। पहले ये चेक कर लो बच्चों, ये लिख लो, फिर मैं बेटा तुम्हारा मेथड देखता हूँ। ओके सर। सर ये इन्फिनिटी कैसे हुआ? 1090 अनडिफाइंड होता है ना, लेकिन 90 से जस्ट पहले तो इन्फिनिटी होगा ना। ओके सर।
कर लिया सर नोट। सर ये जो नीचे 1 cos² x है इसको हम 2 cos² x/2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, वो तो 1 cos x का फॉर्मूला होता है। अरे हाँ सर वही गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया सर, सॉरी। कोई नहीं, वो तो मिस्टेक है ना। यस सर। सर आपने इसमें a वाला फॉर्मूला लगाया, अगर हम इसमें डायरेक्ट 2a वाला लगा देते। मैंने 2a वाला, जीरो से 2a वाला नहीं, यहाँ पर। यस सर, शुरू में यहाँ पे इसलिए नहीं लग सकता ना, ये चेंज नहीं हो गया पाई माइनस एक्स में। एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स होना चाहिए ना, कहाँ हो रहा है, ये x की जगह पाई माइनस एक्स हो जाएगा ना। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इसका बेसिक फॉर्मूला है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स वाले का, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिमिट 0 से a, वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना यहाँ पर, उससे यही वाली टर्म मिल जाएगी हमें। ठीक है ठीक है, तो यहीं पहुंच जाओगे ना तुम, यहाँ पहुंच जाओगे। यस सर, यहाँ के बाद फिर वो दूसरा लगेगा, उसमें वो कट जाएंगे x वाले टर्म दोनों, पाई बच जाएगा बाहर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी लगाना तो पड़ेगा ही ना ये। यस सर, ये फिर तो सॉल्व करना पड़ेगा। हो गया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन मैंने हालांकि कराया था ऐसा, बट चलो सामने आ गया तो करा रहा हूं। फ्रैक्शनल पार्ट है ये, ठीक है। जीरो आ रहा है सर, जीरो नहीं आएगा बेटा। सर जब ओवरलैपिंग ग्राफ हो तो उनका मिनिमम रीजन कैसे पता चलेगा? क्या बेटा? सर जब ओवरलैपिंग ग्राफ,
क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। मतलब जो दोनों ग्राफ ओवरलैप कर रहे हो, ओवर गया, ओवरलैप कर रहे हैं तो क्या होगा? अच्छा तो बात ही खत्म हो गई। देखो एक चीज समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस वन बोलू या x बोलू, एक ही बात है या नहीं है, बस ये बताओ। यस सर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनके। बस तो दोनों फ्रैक्शनल पार्ट x ही है, बात ही खत्म हो गई। तो मिनिमम मिनिमम क्या, सीधे सीधे क्वेश्चन ये हो गया, बात खत्म। बोलो। यस सर। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो माइनस फाइव से फाइव एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स, तो ये हो गया माइनस फाइव से फाइव एक्स डी एक्स, तो हो ही जाएगा माइनस ऑफ माइनस फाइव से फाइव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स भी हो जाएगा। माइनस फाइव से माइनस फोर में माइनस फाइव बनेगा, फिर माइनस फोर बनेगा, वगैरह वगैरह जो भी है ना। सर ये इवन फंक्शन नहीं होना चाहिए। इवन क्यों हो गए सर? फ्रैक्शनल पार्ट में माइनस रखो प्लस रखो, आंसर तो सेम ही आएगा। नहीं वो थोड़ी ना बात है, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का अलग नेचर होता है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का अलग नेचर होता है। हाँ वैसे ये न्यूमेरिकली देख के कर सकते हो जाएगा, ट्वाइस जीरो टू फाइव कर सकते हो। अब एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, उससे और थोड़ा आइडिया लग जाएगा। देखो जरा जैसे जैसे किसका ग्राफ है, मान लो मैं जीरो से टेन पाई तक साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है? यस सर, तो टेन टाइम्स हो जाएगा जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स। जीरो से पाई फाइव टाइम्स, फाइव टाइम्स, फाइव टाइम्स। जीरो से पाई तक फाइव टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। Where t is the period of f(x) लिखो। सिंपल है कि नहीं है? यस सर। लिख लिया। एक और चीज देखो, मान लो हमें ये इंटीग्रेट करना है पाई बाई टू से सिक्स पाई प्लस पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स। मतलब हम यहां से स्टार्ट हुए और यहां तक चले गए, ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, पाई बाई टू से सिक्स पाई प्लस पाई बाई टू, क्या हम इसको जीरो से सिक्स पाई लिख सकते हैं? ऊपर नीचे पाई बाई टू माइनस कर दिया इसलिए माइनस क्या तो देखो ना, जितना ये वाला हिस्सा है वो इधर जाके इंटीग्रेट हो रहा है, तो अगर मैं पाई बाई टू से यहाँ तक जा रहा हूँ तो ये वाला हिस्सा यहाँ ना इंटीग्रेट करके यहाँ कर दो, तो जीरो से सिक्स पाई कर सकते हैं या नहीं? यस सर। और ये थ्री टाइम्स जीरो से टू पाई हो जाएगा। बस हो गया। तो यानी कि हम एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, सेकंड ए से ए प्लस एंटी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज जीरो से एंटी एफ एक्स डी एक्स,
which can further be written as n times 0 to t fx dx. Bolo sahi hai? Yes, sir. लिख लो सर, ऊपर जो क्वेश्चन दिया है साइन एक्स वाला, इसका आंसर जीरो आ रहा है आपका? ये वाला साइन एक्स वाला, साइन एक्स 6 + 6 5 + 5/2 वाला तो आएगा ही जीरो ना। देखो जितना ऊपर उतना नीचे, तो यही जीरो हो गया इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि एलजेब्रिक सब होता है। सर नीचे दिखाना, प्रॉपर्टी ठीक है ना, आगे बढ़े। यस सर, जरा ये इंटीग्रेट करना फटाफट। एट आ रहा है सर, इसका आंसर आएगा 8। बिल्कुल ठीक है। देखो मॉड ऑफ कॉस एक्स का पीरियड क्या होता है, पाई, तो 4 पाई 0 टू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। अब ये ब्रेक कर लेंगे 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से पाई, 0 से पाई बाय 2 में तो पॉजिटिव रहेगा फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि तो अगर हम वैसे देखें तो हमें बार बार पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा, तो बहुत लेंथी हो जाएगा। सिंपल बात है। यस सर, सर अगर यहाँ पे मॉड साइन एक्स होता तो फिर हम 0 से पाई बाय 2 पाई लेके और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते फिर। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं है फिर तो, है ना। यस सर, करो सर। वो जीरो से लिमिट क्या है, जीरो से
जीरो से हंड्रेड हो रहा है। ये सर कर रहे हैं। सर 270 समथिंग आ रहा है। नहीं सर 170 समथिंग। हाँ बिल्कुल वही आएगा, सही है। सर लेकिन मेरे को मेरा लॉजिक सही नहीं लग रहा है कि सही लगा है या नहीं। ये फ्रैक्शनल पार्ट है। यस सर ये तो 0 से 1 में आएगा 100 टाइम। पार्ट एक्स का पीरियड 1 होता है, तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का पीरियड 1 है तो ए की पार फ्रैक्शनल पार्ट का भी पीरियड 1 ही होगा। यस सर। अब ए की पार फ्रैक्शनल पार्ट का भी पीरियड अगर 1 होगा तो यानी कि इस पूरे का पीरियड 1 हो गया, तो ये 100 इंटू 1 हो गया, 100 बाहर चला गया और ये 0 टू 1 हो गया, और 0 टू 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, तो ये इतना क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। ये इसका आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। सर मैंने ऐसे सोचा था कि 0 to 1 में जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला होता है वो 0 मिनिमम होता है और मैक्सिमम 1 होता है, तो ई की पावर मैक्सिमम ई होगी और मिनिमम 0 होगी, मिनिमम 1 होगी, तो 100 इंटू ई माइनस 1 हो गया। हाँ वो सही नहीं है इसका लॉजिक, जो मैं बोल रहा हूँ यही बेस्ट लॉजिक है इसका। ठीक है सर, वही मेरे को डाउट था मेरी लॉजिक का। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा है ना, मतलब प्रॉपर्टी 171 आ गया आंसर। हाँ ठीक है, वो इसी फॉर्म में लिखा हुआ आएगा। करना वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर और वी लाई करता है 0 से पाई के बीच में।
करूं? फिर एक सेकेंड, ठीक है सर। माइनस कॉस वी माइनस वन, टू एन प्लस वन माइनस कॉस वी इज द आंसर। देखो इसको कैसे करेंगे, v जो है वो पाई से छोटा है तो पहले हम जीरो से v गए और फिर हम v से फाइनल n पाई प्लस v तक चले गए, ये इक्वल्स टू नहीं, ये प्लस है। समझ में आ गई बात? तो जीरो से v क्यों गए? जीरो से मान लो हमें फाइव तक जाना है, इस फाइव को मैंने टू प्लस थ्री लिख दिया मान लो, तो इसको मैं जीरो से टू प्लस टू से फाइव लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर, वही काम यहाँ पे करा है मैंने। और वी जो है वो पाई से छोटा है तो पाई से छोटे में मॉड ऑफ साइन एक्स ही बनेगा, बात खत्म। यस सर। अब वी से वी प्लस एन पाई मतलब ए से ए प्लस एन टी, इसको सीधे सीधे जीरो से एन टी लिख सकते हैं या नहीं? यस सर, और एन बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा। जीरो से पाई मॉड साइन एक्स, बस अब तो काम हो जाएगा। जीरो से पाई में तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है। हाँ। माइनस कॉस वी माइनस कॉस एन पाई आ जाएगा सर, माइनस कॉस वी प्लस टू एन प्लस वन आएगा ना, इसका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस कॉस वी माइनस कॉस एक्स आया ना, तो कॉस वी माइनस जीरो तरफ आएगा, ये एन बार आ गया, जीरो टू पाई में साइन एक्स हो गया, तो माइनस कॉस एक्स जीरो टू पाई में हो गया, तो ये हो गया माइनस कॉस वी प्लस वन प्लस नहीं सॉरी माइनस एन इंटू कॉस पाई हो गया माइनस वन, माइनस वन एक और हो जाएगा शायद, है ना, तो ये प्लस टू एन हो गया, तो आंसर आ गया टू एन प्लस वन माइनस कॉस वी, आई थिंक करेक्ट है। यस सर, बिल्कुल सही है। टू प्लस वन माइनस कॉस वी, ओके सर, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, मैं लॉग आउट कर दूं। ओके सर, ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर।